नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में। हमारे चैनल को जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड। इसमें हमने कैसे हमारा इनकम कंप्यूट किया है, कैसे हमने हमारा टैक्सेबल इनकम निकाला है, कौन कौन से डिडक्शंस लिए, कैसे कैसे डिडक्शंस लिए हैं और हमने हमारा टैक्स कैसे कंप्यूट किया है, कितना टैक्स कंप्यूट किया है, वो सारी डिटेल्स हमें शो करने पड़ती है। ये बैंक में काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड, जो कि बैंक हमसे लोन प्रोसेसिंग के लिए मांगती है। दोस्तों, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन काफ़ी सॉफ्टवेयर द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। कई सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसे प्रोवाइड करते हैं, जिस पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। आप जब डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके फाइल कर रहे हैं तो ये एक एडवाइजेबल है कि आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएं और अपने रिकॉर्ड के लिए उसे रखें, ताकि आगे जाके हमें पता चल सके कभी भी अगर कुछ क्वेरीज है या हमें जरूरत पड़ रही है एक्सप्लेनेशन की, तो हम उस डॉक्यूमेंट को रेफर करके हम पता लगा पाएं कि हमने कैसे इसे अराइव किया है, कंप्यूटेशन को कैसे, इनकम को अराइव किया है और कैसे हमने इसमें टैक्स कैलकुलेशन किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सेल में हम कंप्यूटेशन कैसे बनाएंगे। इसमें मैंने कई इनकम हेड्स लिए हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और एक्सेट्रा। इसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड डिस्कस करेंगे, जिसमें कैसे हम सैलरी इसमें लेनी है, कैसे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और कैसे कंप्यूटेशन में शो करेंगे। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड हमने इंक्लूड किया है, उसमें रेंट कैसे शो करना है, कैसे डिडक्शंस मिल रहे हैं वो हम बात करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रिलेटेड भी हमने ट्रांजेक्शन इसमें लिए हैं, वो हम कैसे शो करेंगे उसके कैलकुलेशन देखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड इंक्लूड किया है, जिसमें बैंक इंटरेस्ट और ऐसे अदर सोर्सेज जो हैं हमने इंक्लूड किए हैं। इस पे डिडक्शंस ऑन चैप्टर 6 भी हमने इंक्लूड किया है, कैसे कैसे हम डिडक्शंस को इसमें कंप्यूट करेंगे और टैक्स निकालेंगे। इसके बाद में हमने इसमें टैक्स कैलकुलेशन, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इसमें इंक्लूड की है कि हम कैसे उसमें टैक्स हमने अराइव किया है वो हम उसमें दिखाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और 2 हम कैसे फाइल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक हमने एक्सेल में एक फॉर्मेट कंप्यूटेशन का बना रखा है। इसमें हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन पहले डाल देंगे, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैन नंबर, स्टेटस इंडिविजुअल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट या NROR, जो भी आपका स्टेटस है, असेसमेंट ईयर, अभी जो है 2023-24 चल रहा है जिसका हम फाइलिंग करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल हो रहा है 2022 और 2023, बैंक डिटेल्स हमें लिखना है, कौन सा हमारा जो डिफ़ॉल्ट या जो मेन बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर डिटेल्स। इसके बाद हमारा जो है कंप्यूटेशन पार्ट चालू हो जाता है। दोस्तों, हमने इसमें ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों तरह से कंप्यूटेशन दिखाए हैं, तो आपको उसमें समझ भी आ जाएगा कि इसमें डिफरेंसेस जो कैसे कैलकुलेट करने हैं। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड हमने लिया है, जो कि हमें एज़ पर फॉर्म 16 इसमें डेटा प्रोवाइड करना है। इसमें एज़ पर जो 16 फॉर्म है, ग्रॉस सैलरी जो हमने यहाँ शो कर दी है, कुछ अलाउंसेस परक्विजिट्स जो भी हमारे फॉर्म 16 में है अंडर सेक्शन 17(2), वो हमने यहाँ ले लिए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें 50,000 का अलाउ किया गया है सैलरी हेड में, वो हमने यहाँ ले लिया है। और अगर कोई प्रोफेशन टैक्स का पेमेंट हुआ है जो कि कंपनी द्वारा किया जाता है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी स्विच की है या आपकी कंपनी ने कुछ चेंजेस के कारण दो फॉर्म 16 इशू किए हैं, तो आपको यहाँ पर दो तरह से कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा, एक Company 1, Company 2 और Company 3 ऐसे। इसमें ग्रॉस सैलरी
अलाउंसेस ये सारी चीज़ें इसमें सेम रहेगी दोनों कंपनियों में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमें सिर्फ़ एक ही बार 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है आपकी कंपनी में कैलकुलेशन में दोनों तरफ 50,000 डिडक्शन ले लिए हैं, बट आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करते टाइम पे एक ही बार सैलरी का डिडक्शन मिलेगा 50,000। हो सकता है उससे आपको टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंस भी आ जाए और आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको उसमें अपना पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 3,96,320 जो कि पेमेंट किया है, इसका आपको लिमिट जो है 2 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। बाकी का जो इंटरेस्ट बैलेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो कि आपको 8 ईयर्स में आगे मिल जाएगा। हमने इसमें लेट ऑफ प्रॉपर्टी भी एक उसका भी इनकम दिखा रखा है जिसमें रेंट रिसीव्ड 6,60,000 है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% हमें मिलेगा जो कि 1,98,000 आ रहा है। अगर आपके म्युनिसिपलिटी टैक्स जो है आपने भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसका आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा एडिशनल। इसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेमेंट कर रखा है। दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट का जो लिमिट है, जब तक आपका रेंट इंटरेस्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे 6,60,000 है और इंटरेस्ट जो है 3,56,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद में भी यहाँ जो है हमारा बच रहा है 4,62,000 जो कि इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो हमारा पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो हमें उसमें यूज़ आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1,05,700 जो है इनकम बच रही है लेट आउट प्रॉपर्टी पर। दोस्तों अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट है या आपका लॉस जो है वो आपको 2 लाख ही मिलेगा। अगर यहाँ पर भी आपका 4 लाख है या यहाँ पर 2 लाख का, जैसे कि ये है यहाँ पर लॉस जो है 2,90,620 आ रहा है, तो सिर्फ 2 लाख ही आपको यहाँ पर लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब डिडक्शंस मिलेंगे, बाकी का 90,620 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में, जिसमें कि मैंने लिया है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही मैंने लिए हैं एग्जाम्पल। लॉन्ग टर्म में शेयर्स में 8,59,630 इसका सेल वैल्यू है, परचेस वैल्यू 7,78,650 है। इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 80,980 आ रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 5,960, ये टोटल जो है 86,940 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स भी दोस्तों ये इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड लिए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स चूंकि 1 लाख से कम है तो हमने यहाँ पर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में इसे ले लिया है, मतलब इस पे हमें टैक्स नहीं देना है तो हमने इसको आगे कैलकुलेशन में नहीं लिया है। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है शेयर्स पे 33,700 आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर ले लिया है। अगर आपका शेयर्स का होल्डिंग 1 ईयर से ज़्यादा है तो आपको उसे लॉन्ग टर्म में लेना है, और अगर उससे कम है तो आपको शॉर्ट टर्म में लेना है। इसके बाद में हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हैं, उसमें हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमने कंसिडर किया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स लिए हैं, डिविडेंड इनकम जो कि टैक्सेबल हो चुका है अभी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड लिया है, और पीपीएफ इंटरेस्ट। पीपीएफ इंटरेस्ट दोस्तों एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है तो हमने आगे इसका कैलकुलेशन नहीं लिया है। ये अदर सोर्सेस के जो हेड्स हैं छोटे छोटे होते हैं, बट इसमें चांसेस होते हैं कि ये कभी हमसे स्किप हो जाएं, तो आप ज़रूर से इसे थोरोली चेक कीजिए और अपने AIS TIS से इसे रिकनसाइल कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो सैलरी रिटर्न या अदर इनकम के जो होते हैं इसी के बेसिस पे नोटिस आते हैं, क्योंकि हमें AIS और TIS में रिकॉर्ड हमने रिकनसाइल नहीं कर
कर पाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते टाइम पे AIS और TIS जो हैं, जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं उस दिन भी आप चेक कीजिए, क्योंकि ये रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। इसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर दिया है, टोटल इन चार हेड्स का PPF इंटरेस्ट हमारा एग्जेम्प्ट है, ये 88,990 हमारा आ रहा है। दोस्तों ये अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, जिसमें हमने ये सारे हेड्स कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे डिडक्शंस के तरफ। डिडक्शंस चैप्टर ए में काफ़ी सारे डिडक्शंस दे रखे हैं, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट दे रखा है। उसमें से हमने ATC, ATCCD-1B, ATCCD-2, ATD, ATG और ATTTA जो कंसिडर किया है। ATC में आपको 1 लाख तक का ही डिडक्शन मिलना है, जिसमें कि है आपके लाइफ इंश्योरेंस के पेमेंट्स, टैक्स सेविंग FDs, इसके अलावा आपके स्कूल फीस के जो पेमेंट होते हैं। स्कूल फीस में भी दोस्तों आपको जो ट्यूशन फीस जो रिसिप्ट में रहता है उसी का डिडक्शन मिलेगा, ना कि डेवलपमेंट फीस या बुक फीस या फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस, वो सब नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया है हमारे प्रॉपर्टी परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। इसमें आगे हमने लिया ATCCD-1B जो कि NPS का डिडक्शन है, आपको एडिशनल 50,000 इसमें डिडक्शंस अगर आपने पेमेंट किया है तो आप ले सकते हैं। ATCCD-2 जो कि पेंशन स्कीम में अगर कंपनी ने पेमेंट किया है तो वो आप यहां पर ले सकते हैं। ATD जो है मेडिक्लेम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हमने यहां पर कंसिडर किए हैं। ATD में हमने यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सिर्फ डिडक्शन लिया है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो आपको अप टू 25,000 तक वो मिल जाएगा। अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिक्लेम ले रखा है तो उसका एडिशनल 25,000 अगर आपने पेमेंट किया है तो टोटल 50,000, ये अगर आपने इससे ज़्यादा पेमेंट किया है तो आपको 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरे सिचुएशन में अगर आपने सिर्फ आपका ही मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसे कुछ खर्चे आपने किए हैं तो आपको 50,000 तक उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन दोस्तों इस ATD में आपको अप टू 75,000 तक ही मिलेगा, इसके ऊपर आप उसमें डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ATG डोनेशन जो आपने कुछ अगर ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को या ऐसा कुछ डिडक्शंस ट्रस्ट में या डोनेशन दिए हैं तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। ATTTA जो कि उसका लिमिट 10,000 है, तो हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 5,690 है, वो हमें पूरा मिल जाएगा। ये हमारा टोटल डिडक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम हमारा निकालेंगे टोटल इनकम, जो कि इसे माइनस करके ये फिगर आ जाएगा। जो टैक्स पोर्शन है, जो स्लैब के हिसाब से हमारा इतना टैक्स आ रहा है, हमारा टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का जो है हमें कैलकुलेट करना है 15%, जो कि हमने अलग से कैलकुलेशन किया हुआ है, इसमें हमें इंक्लूड किया है। इसके बाद में 4% जो एजुकेशन सरचार्ज लगना है वो हमारा कैलकुलेशन। TDS हमारा डिडक्शन 2,56,000 हुआ है, तो हमारा एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी आपने पेमेंट किया है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और बैलेंस टैक्स जो है हमारा नील हो गया। इस प्रकार से हम उसको रिटर्न फाइल में शो कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं न्यू स्कीम के कैलकुलेशन से रिलेटेड। न्यू स्कीम में कैलकुलेशन जो है एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही शो होगा, लेकिन इसमें डिडक्शंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो डिनाई किए जाते हैं। तो आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इस 50,000 इसमें नहीं मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स का ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, ये एज इट इज़ जो टैक्स इसमें लगना है वो लगेगा, और ये जो अदर सोर्सेज का हेड है ये हो जाएगा। इसमें ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 26,22,213 आ जाती है। इसके स्लैब जो हैं गवर्नमेंट ने अलग दे रखे हैं, अलग अलग स्लैब दे रखा है, उसमें टैक्स कैलकुलेशन किया है हमने।
और इस पे सेम 4% सरचार्ज लगाया है, TDS भी सेम है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,41,000 हमने निकाला है। दोस्तों हमारा टैक्स ओल्ड स्कीम के हिसाब से कम आ रहा है, लगभग 1 लाख रुपए हमें कम टैक्स आ रहा है ओल्ड स्कीम में, और न्यू स्कीम में जो है अराउंड 5 लाख का टैक्स आ रहा है। तो हमारा ओल्ड स्कीम जो है इस केस में बेनिफिशियल रहेगा, तो हम ओल्ड स्कीम के लिए ऑप्ट करेंगे और उसके अंतर्गत हम फाइल कर देंगे, क्योंकि इसमें डिडक्शंस इतने सारे हैं और इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन भी है, कैलकुलेशन है टैक्स का वो ओल्ड स्कीम में कम आ रहा है, तो हम ये ऑप्ट करके फाइलिंग। दोस्तों अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चलकर कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फाइल करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड आ चुका है, इसमें हम देख लेते हैं हमारा फॉर्म जो अप्लीकेबल है उसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सैलरीड एम्प्लॉइंस में जाना है, रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल टू मी, इसमें यहाँ पर डिटेल में गाइडलाइंस दे रखी है कि किसको कौन सा फॉर्म भरना है, अगर कौन सी हेड का इनकम है तो कौन सा फॉर्म भरना है। रिटर्न एंड फॉर्म अप्लीकेबल टू सैलरीड एम्प्लॉइज फॉर AY 23-24, इसमें हम ITR 1 हमारा अप्लीकेबल रहेगा जिसमें कि सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेस का इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज़। और यहाँ पर एक ये और कंडीशन है कि टोटल इनकम जो है 50 लाख के नीचे रहनी चाहिए तो ही आप ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। ITR 1 कौन से केस में अप्लीकेबल नहीं है या कौन कौन पर्सन नहीं भर सकते हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। जैसे डायरेक्टर अगर हैं कोई कंपनी में, अगर अनलिस्टेड शेयर्स आपने कि ड्यूरिंग द ईयर हेल्ड किए हैं, आउटसाइड इंडिया आपका कोई असेट है, अगर साइनिंग अथॉरिटी है या इनकम है आपकी, अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है 194N में, अगर ईसॉप का कोई ट्रांजेक्शन है या टैक्स डिडक्ट हुआ है या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो आपको ये ITR 1 फॉर्म नहीं भरना है, ITR 2, 3, 4 जो भी आपको अप्लीकेबल है वो भरना रहेगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ से हम लॉग इन करेंगे। ये हमने लॉग इन कर लिया है और हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं या कुछ रॉन्ग मेंशन किया हुआ है तो आप इसे जाके करेक्ट भी कर सकते हैं अपने माई प्रोफाइल में जा करके। यहाँ पर आपको फाइल योर रिटर्न फॉर द असेसमेंट या 23-24 का यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा और दूसरे तरीके से आप यहाँ पर जाके भी अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दोस्तों रिटर्न फाइलिंग करने से पहले कंप्यूटेशन आप अपना ज़रूर बना लीजिए जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। AIS और 26AS भी आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अभी हम चलते हैं यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस के लिए। फाइल नाउ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आया है आपको कौन सा असेसमेंट ईयर हम फाइल कर रहे हैं। हमारा असेसमेंट ईयर है करेंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2023-24, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। हम ऑनलाइन फाइलिंग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट के वीडियो में आपको हमने बताया था कैसे एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म फाइल करना है, उसका जेसन आप जो है यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी का जो जेसन जनरेट होगा वो यहाँ पर अपलोड करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन सिलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन है, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस अप्लीकेबल टू यू, तो हमारा इंडिविजुअल स्टेटस है, हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर फिर से डिटेल्स में गाइडलाइंस दी गई है जो कि कौन सा आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो हमने ऑलरेडी उस पर बात कर ली है, तो हम ITR 1 जो है हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमारा रीज़न है कि हमारा इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट जो कि 2.5 लाख है उससे ऊपर है तो हम हमारा रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है 139(1) का जो 7th प्रोविजन है, अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर जो है 2 लाख के ऊपर ट्रेवल किया है फॉरेन कंट्री के लिए या फिर 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है और जो अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन है तो हमारा टैक्सेबल ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये अब आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है चेक करनी है तो हम इसमें चलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना नेम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन उपलब्ध है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पेंशनर है, PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है, तो हमारा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर जो कि अदर सिलेक्ट कर देंगे। फाइलिंग सेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 139(1) जो है सिलेक्ट हुआ है बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम फाइल कर रहे हैं जुलाई ड्यू डेट है उससे पहले हम फाइल कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं,
अगर आप ड्यू डेट के बाद में कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है अपना टैक्स रिजीम, आप न्यू रिजीम से फाइल कर रहे हैं या ओल्ड रिजीम से कर रहे हैं, हमारा इस केस में न्यू रिजीम नहीं है, ओल्ड रिजीम से हमको फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि कंफर्म हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रॉस टोटल इनकम के टैब के लिए। यहाँ पर हम हमारा इन्फॉर्मेशन जो कि इनकम का डिटेल्स है यहाँ पर डालेंगे। ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, हम इसको एडिट कर देते हैं वन बाय वन। यहाँ पर हमको फिगर्स डालने हैं। फर्स्ट यहाँ पर सैलरी एज़ पर 17-1 जो बेसिक सैलरी है जो हमारे फॉर्म 16 में दी गई है, यहाँ से हम फॉर्म 16 का फिगर्स वेरीफाई कर लेंगे। हमने कंप्यूटेशन भी तैयार किया है, वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। 18,20,980 जो फिगर है वो हम इनकम टैक्स फॉर्म में डाल देते हैं। यहाँ पर आपको 18,20,980 यहाँ पर ये हमने सैलरी का फिगर डाल दिया है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर कोई भी अलाउंसेस, परक्यूजिट्स ये सब कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक रहने देते हैं। कोई अलाउंसेस नहीं है, उसके रिलेटेड कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ऑटोमेटिक 50,000 होकर आ गया है। हमें प्रोफेशनल टैक्स का जो फिगर है वो यहाँ पर डालना है, हमने यहाँ पर ये डाल दिया है, इसे सेव कर लेते हैं। हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो है कंप्लीट हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम जो है 17,68,480 जो कि हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारे कंप्यूटेशन से भी। यहाँ पर कंप्यूटेशन से भी हम वेरीफाई कर लेते हैं जो कि हमारा फिगर मैच हो रहा है। वापस चलते हैं फॉर्म की तरफ। अब हमने एक लेटआउट प्रॉपर्टी भी शो करनी है, यहाँ पर आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, एडिट कर देते हैं। यहाँ पर आपको आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए हमारा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, लेटआउट है तो, या डीम लेटआउट है। हमारे केस में ये लेटआउट है, हम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। हमारा यहाँ पर ग्रॉस रेंट जो है आपको डालना है जो कि है 3,60,000। अगर आपने कुछ टैक्स पेड किए हैं लोकल अथॉरिटी को, म्यूनसिपल टैक्सेस, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, हमारे केस में जीरो है। यहाँ पर 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ चुका है। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट का फिगर डालना है। वापस चलते हैं कंप्यूटेशन की तरफ। कंप्यूटेशन में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है 1,56,200, हम यहाँ पर डाल देते हैं 1,56,200। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 95,800 फाइनल फिगर आ चुका है जो कि हमने अपने कंप्यूटेशन से वेरीफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे हेड की तरफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चनर यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा आपको इनकम है तो उसे यस करना है और उसमें फिगर्स डालने हैं। हमारा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, फिगर्स जो है कंप्यूटेशन से ले लेते हैं 5,690। हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट भी है, इसे भी यस कर देते हैं, यहाँ पर फिगर्स हम डाल देते हैं। आपको ये सारे फिगर्स जो है AIS में भी उपलब्ध हो जाएंगे, इसे वेरीफाई जरूर कर लीजिए। और हाँ, कोई भी इंटरेस्ट इनकम छूटे ना इसका भी आप ध्यान रखिए। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड भी है, वो भी हम डाल देते हैं 1,560, ये हमने डाल दिया है। अब हमारा डिविडेंड इनकम है वो भी हमें डालना है, ये डिविडेंड इनकम का ऑप्शन, इसे यस कर देते हैं। हमारा जो डिविडेंड है मार्च में हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पर डाल देते हैं 25,420, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसे कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा जो टोटल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का वो यहाँ पर आ गया है 88,990 जो कि हमारे कंप्यूटेशन से मैच हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिडक्शंस फिल कर देते हैं। ये अब हमारे दोनों भी टैब जो हैं कन्फर्म हो चुके हैं। अब हम टोटल डिडक्शन जो है हमारे वो इसमें एक एक करके डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चनर जैसे ओपन हो जाएगा, आपके कौन कौन से डिडक्शंस हैं उसको आप यस करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन पे किया है तो यहाँ पर डालना है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है तो यहाँ डालना है, 80GG का अगर आपका क्लेम है तो यहाँ डालना है, 80C का अगर डिडक्शन है जो कि हमारा है तो हमें यहाँ डालना है, यस कर देते हैं। 1,50,000 इसमें हम फिगर्स पुट कर देते हैं। 80CCD टू पेंशन जो है अगर एम्प्लॉयर द्वारा डिपॉजिट किया है तो वो आपको यहाँ डालना है। 80D का भी हमारा डिडक्शन है, 80D के लिए हमें यस करना है, यहाँ यस करके हमें अलग से शेड्यूल में इसको फिल करना पड़ेगा। 80TTA का भी हम यस कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टैब ओपन हो चुके हैं। हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं, 80TTA का डिडक्शन जो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, हमारा फिगर्स जो हमने इंटरेस्ट के लिए लिया है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अप टू 10,000 तक आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम 80D का डिडक्शन यहाँ पर डाल देते हैं, ऐड करते हैं। अगर आपका और आपके बच्चों का अगर आपने मेडिकल प्रीमियम भर रखा है तो आपको 25,000 तक इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 तक का इसमें डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पेरेंट्स का भी इसमें ले रखा है
मेडिक्लेम में कवर ले रखा है और उसका प्रीमियम है और वो सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स, तो आपको टोटल डिडक्शन जो है 50,000 मिल जाएगा। इसमें हम सिलेक्ट कर देते हैं, हमारे केस में जो है सेल्फ एंड फैमिली का ही है, यहाँ पर हम हमारा डिडक्शन ले लेते हैं, इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। हमने अब ATD का भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लिया है, यहाँ पर हमें ATCCD 1B का NPS जो है न्यू NPS स्कीम का 50,000 यहाँ हम डिडक्शन ले लेंगे, ऐड कर देते हैं इसे भी। अभी हमने हमारे टोटल डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर दिए हैं 2,30,690, इसे कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों कॉलम जो हैं फिल हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने टैक्स पेड का जो है डिटेल्स डालना है और जो TDS और ये जो जो TDS है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अभी ये टैक्स पेड का भी जो है यहाँ पर फिगर्स आ चुके हैं 3,45,055, जो कि हमारे टैक्स लाइबिलिटी से मैच हो रहे हैं, इसे भी कंफर्म कर देते हैं। अभी हमारे सारे पाँचों के पाँचों जो हैं हमने कंफर्म कर दिए हैं, सेव कर दिए हैं। अभी हम रिटर्न फाइलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। आपका समरी जो है सारा फॉर्म का जो है यहाँ प्रीव्यू हो जाएगा, यहाँ से प्रीव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ जो है आप सारी डिटेल्स एक बार फिर वेरीफाई कर लीजिए, जो आपका सैलरी हेड का इनकम टोटल है वो हमारा मैच है, कंप्यूटेशन से आप मैच कर सकते हैं, फॉर्म 16 से आप मैच कर सकते हैं, अपने AISTS से आप मैच कर सकते हैं। हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पर आ चुका है, हमारे चारों जो सोर्सेस हैं अदर सोर्सेस के हेड्स ये भी हमने ले लिए हैं, हमारा टैक्स कैलकुलेशन, हमारे डिडक्शंस, ये सारे कुछ हम वेरीफाई कर लेंगे एक बार फिर से रिटर्न फाइल करने से पहले। ये सब कुछ अगर आपका सब कुछ वेरीफाई कर लिया है आपने, अगर करेक्ट है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए और अपने प्रोफाइल में जा करके आप चेक जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो रिफंड है अगर बैंक अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन करके हम जो है हमारा रिटर्न फाइल कर देंगे। आपको यहाँ पर ई वेरीफिकेशन के लिए टैब आ जाएगा, उसे प्रेस करना है। ई वेरीफाई आपको अगर आप अभी करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ करके OTP आधार OTP से आप वेरीफाई कर लेंगे। ई वेरीफाई लेटर का भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं, विदिन 30 डेज आपको वेरीफाई करना है और जो है आप डॉक्यूमेंट साइन करके अपना वेरिफिकेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ करके आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने के बाद अपना OTP डालने के बाद आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।